नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं सब लोग आपके घर में। मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूं मेरी प्रियंका और मेरी इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाली हूं जो जुड़ा हुआ है एक ईंट से। चाहे कितना भी खराब मंगल हो, मंगल से जुड़ी चाहे कितनी भी सारी परेशानियां आपके जीवन में आ रही हो, शादी की चाहे कोई प्रॉब्लम हो, आपकी शादी ना हो पा रही हो, या फिर आप जहां चाहते हैं वहां शादी ना हो रही हो, या फिर आपकी सेहत से जुड़ी हुई कोई परेशानी हो, बीमारियां जा ना रही हो, इस तरह की चाहे कितनी भी सारी परेशानियां क्यों ना हो, ये सारी की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी सिर्फ एक इस ईंट के उपाय करने से। इस उपाय से आपका मंगल ठीक होगा। सिर्फ 10 रुपए का खर्चा है दोस्तों। 8 या 10 रुपए में एक ईंट आ ही आ जाती है। अपने अपने इलाके के हिसाब से अलग अलग रेट होते हैं ईंट के, लेकिन 8, 10, 12 रुपए में एक ईंट के इस उपाय से आप अपने जीवन की बहुत सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। कि इस उपाय को कैसे करना है, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा, अंत तक पूरा देखिएगा। और साथ ही जो भी मेरे भाई बहन मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और सच्चे दिल से एक बार माँ लक्ष्मी का नाम लेकर कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। माता रानी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों, ईंट जो है वो सब जगह मिल जाती है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको कहीं ईंट नहीं मिलेगी, इसलिए ये प्रश्न भी नहीं आएगा कि हम इस उपाय को कैसे करें, क्योंकि हमारे पास ईंट नहीं है, कहाँ से ईंट लाएं। तो ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, आप आसानी से इस उपाय को कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लेनी है एक ईंट। ईंट आपको बिल्कुल नई लेनी है, इस्तेमाल की हुई पुरानी या गंदी ईंट आपको नहीं लेनी है। कोई भी कंस्ट्रक्शन की दुकान हो या कहीं पर कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा हो तो आप वहां से ईंट ले सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान आपको रखना है कि आपको ईंट जो है वो खरीदनी है। ऐसा ना हो कि कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है और किसी का मकान बन रहा है तो उन्होंने ईंटें लाकर ईंट का ढेर वहां रखा हुआ है और आप बच्चों से कहलवाकर या खुद आप गए और आपने 2-4 ईंटें वहां से उठा ली। तो इस तरह से ईंट नहीं लेनी है, ईंट आपको खुद खरीदनी है। अपने पैसों से ईंट खरीद कर ही आपको ये उपाय करना है। तो दोस्तों, अब ईंट तो हमने खरीद ली, अब आपको ये उपाय करना है। लेकिन उससे पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि ईंट आखिर है क्या। तो देखिए, ईंट को मिट्टी से बनाया जाता है और उसके बाद इस ईंट को भट्टी में पकाया जाता है और इतना पकाया जाता है कि ये ईंट पककर लाल हो जाती है। अब जो भी चीज भट्टी में जाती है, भट्टी जो होती है वो मंगल को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि भट्टी है, तंदूर है, इस तरह की जो भी चीजें होती है वो मंगल को प्रेजेंट करती है और ये एक तरह से निगेटिव मंगल को प्रेजेंट करती है। मंगल को सही करने के लिए एक उपाय अक्सर बताया जाता है और शायद आप लोगों ने भी सुना होगा कि आप तंदूर में मीठी रोटी लगाइए और जब वो रोटियां पक जाएं तो उन्हें किसी रोड या सरिया से आपको नहीं निकालना है। उसके बाद उन रोटियों को निकाल कर आपको कुत्तों को खिला देना है। लेकिन ये उपाय थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक तो आसानी से तंदूर मिलता नहीं है और फिर तंदूर में रोटियां लगाना थोड़ा मुश्किल होता है जब उसे रोड और सरिया से ना निकाला जाए। और शहरों में तो वैसे भी तंदूर मिलता ही नहीं है। तो उसकी जगह आज मैं आपको बताऊंगी अपने मंगल को सही करने के लिए एक बहुत ही आसान सा, इजी सा उपाय, जिसे आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये उपाय आपको कब करना है? ये उपाय आपको तब करना है जब आपकी कुंडली में मंगल नेगेटिव होता है। नेगेटिव मंगल किसी भी घर में हो सकता है और जब मंगल नेगेटिव होता है ना, तो हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। निगेटिव मंगल के सिम्टम्स ये होते हैं कि हमारे जिंदगी में जब कोई खुशी आने वाली होती है या खुशी आ रही होती है तो उस खुशी में कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। मान लीजिए आपने अच्छे कपड़े पहन लिया, आप बहुत खुश हैं और किसी ने आपकी तारीफ कर दी कि आप तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो लेकिन बाद में आपको प्रॉब्लम हो गई, आपको सिर दर्द हो गया, आपको फीवर आ गया, एक तरह से आपको नजर लग गई
और आप सोचेंगे, आप परेशान होंगे कि अच्छे से क्या फायदा हुआ, इतना अच्छे से तैयार हुए और ऐसी कैसी अपने घर में हमने पार्टी करी कि हमें तो ये नजर ही लग गई, हमारी सेहत ही खराब हो गई। और मान लीजिए आपके घर में कोई अच्छा काम हो रहा है, कोई अच्छी बड़ी खुशी आपको मिल गई है, आपके बच्चों की अच्छी नौकरी लग गई है या आपके बच्चों की अच्छी जगह शादी तय हो गई है, तो आपके जो अड़ोसी पड़ोसी होंगे वो आपसे जलेंगे और कहेंगे हाय इनका तो काम कितना अच्छा चल रहा है। कुछ ऐसे होंगे, कुछ इतने आपसे जेलिस फील करेंगे कि आपके बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे कि अरे ये तो पता नहीं क्या उल्टा सीधा काम करते हैं कि इनका इतना घर इनका धन धान्य से भरा हुआ है। कोई सीधे काम करके तो इतना धन कमा नहीं सकता है या फिर इतनी अच्छी जगह शादी तय कर नहीं सकता है। तो इस तरह की चार बातें होंगी जो कि आपके आसपास होती रहेंगी। और फिर होता क्या है, अगर मंगल निगेटिव होता है तो आपकी इन खुशियों को समझिए ग्रहण लग जाएगा, अच्छी खासी शादी जो होने वाली थी उसमें कोई रुकावट आ जाएगी। आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे ही कमाते अच्छा हैं, दिखते अच्छे हैं, लेकिन उनकी शादी ही नहीं होती है और वो ऐसे ही कवारे घूमते रहते हैं। तो इसका जो कारण होता है वो होता है मंगल का निगेटिव होना, यानी कि निगेटिव मंगल। अगर व्यक्ति मंगली होता है तो भी उसे इन सब परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो जब आपका मंगल निगेटिव होता है आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता ही पड़ता है। देखिए दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि अगर कोई धर्म स्थान है, कोई पूजा स्थान है, कोई मंदिर है, तो लोग उसके आसपास ईंट फेंकते आपको नजर आ जाएंगे, ईंट फेंक कर चले जाते हैं। आपने देखा होगा कि अगर कोई ईंट से भरी हुई ट्रॉली जा रही होती है तो जब वो ट्रॉली के पास कोई धर्म स्थान या वहां से वो ट्रॉली निकलती है तो वो उसमें से दो या चार ईंट वहां फेंक देते हैं, जितनी उनकी इच्छा होती है वो उतनी ईंट वहां फेंक देते हैं। चलते चलते वो जितनी ईंट फेंक सकते हैं वो उतनी ईंट वहां पर फेंकते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। तो आपने सोचा है कि ये ईंट इस तरह वहां पर क्यों फेंकी जाती है? देखिए, जिन्हें मंगल का दोष होता है वो इस तरह के कार्य करते हैं, क्योंकि इस तरह से उनका जो मंगल दोष है वो कम हो जाता है। देखिए, मंगल का जो काम है वो है कंस्ट्रक्शन का। अगर आपने घर बनाया है और जब उस घर के ऊपर लेंटर डाला जाता है तो आप क्या करते हैं, आप सब तरफ मिठाई बांटते हैं। और ये तो आप जानते ही हैं कि जो घर होता है उसकी जो दीवारें होती हैं वो शनि होती हैं और जो छत होती है वो राहु होती है, और जो ईंटें होती हैं वो जो सीमेंट से चुनी जाती हैं वो मंगल होती हैं। और जिस भूमि पर मकान बनाया जाता है वो भूमि मंगल होती है। देखिए, जब एक मकान बनकर तैयार होता है या जो एक मकान होता है वो शनि राहु और मंगल इन तीनों से मिलकर बनता है। एक घर जो होता है उस घर के उस मकान की भी अपनी एक कुंडली होती है, उस घर के भी अपने सारे ग्रह होते हैं। आपने ये बात तो देखी होगी कि कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ पर रहने वाले हमेशा हंसी खुशी से अपना जीवन बिताते हैं और कुछ घर ऐसे होते हैं दिखते बहुत अच्छे हैं, होते बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन उनमें जब कोई व्यक्ति रहते हैं, जब कोई परिवार रहता है तो वो हमेशा दुखी रहता है, क्योंकि उस घर की जो कुंडली होती है वो सही नहीं होती है। अब आप इस बात को समझ लीजिए कि अगर आपका मंगल खराब है तो आपको अपने मंगल को सही करने के लिए क्या उपाय करने हैं। इसके लिए आपको पहला उपाय तो ये करना है कि आपको मंगलवार के दिन आपके घर के पास कोई भी धर्म स्थान है, मंदिर है, आप वहां पर जाइए और वहां पर ईंट दान कीजिए। आपको कितनी ईंट दान करनी है? अब एक प्रश्न यह आता है, आपकी कुंडली में जिस घर में भी मंगल बैठा है आप उतनी ईंटें दान कर दीजिए, दूसरे घर में बैठा है दो ईंटें दान कर दीजिए, चौथे घर में बैठा है चार ईंटें दान कर दीजिए। या फिर एक चीज है जो सबसे अच्छी है कि जितनी आपकी सामर्थ्य है आप उतनी ईंटें दान कर दीजिए। सबसे अच्छा होता है कि आप 12 ईंटें दान कर दीजिए। देखिए, ये जो ईंटों का दान है ये आपकी कुंडली से, आपके घर से मंगल के दोष को दूर कर देगा। जितनी भी परेशानियां हैं, जहरीली कहना चाहिए कि जो जहरीली परेशानियां हैं, जो ग्रहण आपकी खुशियों पर लगा हुआ है, वो सारे दोष आपको इस उपाय से दूर हो जाएंगे।
इसके साथ साथ मंगल को सही करने के लिए आप एक उपाय और कर सकते हैं कि चांदी का एक चौकोर टुकड़ा आप हमेशा अपनी पॉकेट में रखिए। और अगर ये संभव नहीं है कि हमेशा पॉकेट में रखा जाए, ये लगता है कि कहीं गिर ना जाए, तो इसके लिए आप उसे लॉकेट बनाकर अपने गले में भी पहन सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आप ईंट से मंगल से जुड़ी हुई बीमारियों का इलाज भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपका पेट सही नहीं रहता है, आपको गैस बहुत ज्यादा होती है, अपच होता है, या फिर पेट में दर्द रहता है, या फिर आपको जल्दी जल्दी लूज मोशन हो जाते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक ईंट ले लेनी है और फिर इस ईंट को आपको घिस लेना है। घिस के जो ईंट का पाउडर जैसा बन जाएगा उसमें से आप हल्का सा पाउडर ले लीजिए। जिस तरह से तिलक लगाने के लिए हम एक ऐसे उंगली पर जब कुछ लगाते हैं तिलक लगाने के लिए, तो जो इसी तरह से आपको वो तिलक लगाने के लिए इस तरह से वो पाउडर अपनी उंगली पर लगा लेना है। और फिर आप एक ग्लास छाछ ले लीजिए और इसको इस तरह से उसमें छिड़क दीजिए और चम्मच लेकर इसको अच्छे से मिला लीजिए और फिर इस छाछ का आप सेवन कर लीजिए। इसका सेवन जो है आपको लगातार कम से कम 40-50 दिन तक करना है। आप जितने लंबे समय तक इसका सेवन कर सकते हैं कीजिए, उतना ही आपका पेट सही रहेगा, आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। अपने मंगल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगर किसी का मकान बन रहा है तो आप वहां पर जाकर कुछ ईंटें दान कर सकते हैं। वो आपकी अपनी इच्छा है कि आप कितनी ईंटें दान करना चाहते हैं। आप 2 ईंट, 4 ईंट, 6 ईंट, 12 ईंट तो दान कर ही सकते हैं। इससे ज्यादा आप 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 रुपए की ईंट भी वहाँ दान कर सकते हैं। आप ये ईंटों का दान किसी भी शुभ का दिन कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके घर में किसी का जन्मदिन है तो आप ईंटें दान कर दीजिए, शादी की सालगिरह है तो आप ईंटें दान कर दीजिए, घर में कोई शुभ मौका आया है तो आप कुछ ईंटों का दान कर दीजिए। मान लीजिए आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या नया कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो उससे पहले आप मंदिर में 12 ईंटें जरूर दान कर दीजिए। ऐसा करने से आपके जीवन में शुभता आने लगेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय माता की दोस्तों।